नेक्स्टलाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हकरम। विनेश फोगाट को लेकर के आज चर्चा करेंगे। दरअसल विनेश फोगाट को लेकर के लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो खिलाड़ियों के इस फैसले से या फिर इस कदम से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने खुलकर इसका समर्थन कभी भी नहीं किया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट न तो अनुराग ठाकुर से मिलने गई और न ही वो इस पूरे खेल में कहीं भी शामिल थी। इस बात को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई महिला पहलवानों ने कोई बड़ी डील की है, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को अगर कोई सजा दिला पाएगा तो वो विनेश फोगाट ही है। देखिए इस खास वीडियो को। There is nothing any suspicion in this and he will be arrested soonly. Although it will be taken time, few time, but it will be happen. 100%, 100%, 1,000,000%. बिल्कुल, यहाँ पर कहने का मतलब ये कि समय की मांग है, समय जब आएगा तो जरूर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। कानून से ऊपर नहीं है सरकार ना, ये मोदी ऊपर है। लेकिन आजकल कानून की आपने जिक्र किया, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके सेंट्रल एजेंसियों के अंडर में दिल्ली पुलिस है तो ये पूरा अपना दम लगाए हुए हैं। मैंने कहा ना कि एक जो ये चाणक्य कह जाते हैं, मैं उन्हें चाणक्य नहीं, मैं उन्हें शकुनी मामा कहता हूँ। तो शकुनी मामा हमारे अपनी पूरी बुद्धि लगाए हुए हैं, लेकिन कब तक ऐसा ना हो कि पूरे देश की बेटियां ये जंतर मंतर पे उतर जाएं, युवा आ जाएं। देखा है तमाम छोटी छोटी बच्चियां भी जंतर मंतर पर, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी ना हो कि दिल्ली की में कहीं सड़क पे जगह रहने की और उनको अपने आवास से निकलने की जगह न मिले। किसान आंदोलन जो हुआ था उस तरीके का, किसान आंदोलन से मैं इसको कंपेरिजन नहीं करता, मैं इसको नहीं समझता, मैं इसको आंदोलन कहता हूँ। ये बेटियों का आंदोलन है, ये मेरा आंदोलन है, ये हिंदुस्तान के प्रत्येक बाप पिता भाई का आंदोलन है, ये हिंदुस्तान के प्रत्येक बेटी और प्रत्येक माँ का आंदोलन है और इसको तुम नहीं रोक सकते। ये किसी पार्टी का पोलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये अलग की बात है। तुम्हारा भी मंत्री समर्थन करने आएगा तो हम उसको नहीं नकारेंगे। बिल्कुल, तुम्हारा भी अगर विधायक आएगा, तुम्हारा अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल्स तुम्हारे राबर्स हैं वो भी आएंगे तो उनको भी हम पानी पिलाएंगे, स्वागत करेंगे कि चलो भाई फोटो खिंचवाएंगे, समर्थन तुमने दिया। अगर वो सत्य पे होगा तो बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी तक कोई सत्य नहीं आया। ये बताता है कि तुम सभी राबर्स हो, तुम सभी कॉन्स्टिट्यूशनल डकैट्स हो और तुमको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब ही विकल्प है, इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल, तो आपने पांडे जी को सुना, पांडे जी ने लगातार तमाम बातों को रखा, साफ तौर पर ये कहा कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और गिरफ्तारी करवा कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्त्री के दर्द की बात कही गई है। ये कहा गया है कि ये भारत की बेटियाँ हैं और यहाँ पर भारत की बेटियों के लिए तमाम पार्टियाँ और बीजेपी पार्टी का भी स्वागत है, वो भी आ सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि शक्ति प्रदर्शन कुछ भी नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी बहुत बड़ा डर है। अब डर किसको है, फैसला क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये समय तय करेगा। दर्शकों आपको क्या लगता है, आप लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महीने से ऊपर हो चुका है और गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी का हाथ और बीजेपी बचाने का प्रयास कर रही है। आखिर क्यों बीजेपी बचाने का प्रयास कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या अब यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम महिला खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज, कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, जंतर मंतर। तो आपने देखा लगातार इस दावे में कहीं ना कहीं एक बड़ी हकीकत सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट ही अब इस पूरी लड़ाई में अकेले अपने दम पर कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह को सजा दिलाती नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।